वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7 चरणों में से 3 चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब चौथे चरण का मतदान 9 जिलों की 59 सीटों पर जारी है। प्रत्याशियों की बढ़ी हुई दिलों की धड़कनों के साथ जनता में मतदान करने का उत्साह खासा देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते नजर आते हैं और अपने विपक्षियों पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन जब चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर भाषण देने के लिए पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सब हैरान ही रह गए। जी हां, दरअसल केंद्रीय मंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे जब कुछ युवाओं ने उनके भाषण में वादा डालते हुए और रैली में जमकर नारे लगाए और दावा किया कि सेना में 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। इसके बाद में जब उनका संबोधन समाप्त होने वाला था तभी एक व्यक्ति ने नारा लगाया, गरीबों के मसीहा अखिलेश यादव जिंदाबाद। जी हां, इस पर जब कुछ भाजपा कार्यकर्ता उसकी तरफ बढ़े तो राजनाथ सिंह ने मंच पर से ही साफ मना कर दिया और उसे छोड़ने के लिए कहा और किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए साफ इनकार कर दिया। देखिए वीडियो। भैया देखो ऐसा है, उस लड़के को पकड़ना मत, उसकी कार्रवाई मत करना, तो आपको बता दें अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने इसके साथ ही कहा, इस मसले पर मेरी पूरी वेदना है, मैं कठिनाई को समझ रहा हूं। कोरोना महामारी के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, 100 साल में ऐसी महामारी से पहली बार हम जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई कार्यों के कारण आज दुनिया में भारत की कोरोना से निपटने को लेकर प्रशंसा भी हो रही है। इस खबर में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।